ये हमारा जी यहाँ पे केरला में पहला या इंडिया का जो पहला खाना होगा ये होगा। आप ऐसे ही करते हैं सर, केले के पत्ते। खुशी हो रही है ना कि फाइनली हमारे पास हमारी बाइक होगी और उस पर हम जो है वो इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। क्या बात है यार, ये देखें जी फाइनली हमारी बाइक जो है वो आ गई है यहाँ पे। हेलो, अच्छी है, इंडिया लैंड भी इधर ही किए थे, आई थिंक दुबई से या पता नहीं कतर से है ना शायद कुछ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कोची केरला, जहाँ पे हम 3-4 घंटे पहले पहुँचे थे और अभी हमें यहाँ पे आज हमारा जो पहला दिन स्टार्ट होने वाला है उसमें जाके हमें यहाँ पे कस्टम से बाइक पिक करनी है। मैंने आपको पहले वीडियो में जब हमने दुबई से अपनी बाइक भेजी थी उसमें सारा कुछ बताया था कि वहाँ पे किस तरह का प्रोसीजर था। होपफुली कि आज हमारा यहाँ पे भी काम जो है वो स्मूथली हो जाएगा और आज ही हमें बाइक जो है वो मिल जाएगी। शिपिंग कंपनी से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज मिल जाएगी, तो यहाँ से हमें जल्दी से निकलना है क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू वन अनदर गाय इज हियर कार्तिकन, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। फ्रॉम व्हिच सिटी? आई एम फ्रॉम नामक्कल। नामक्कल, एंड एक्चुअली ही विल बी ट्रैवलिंग विद मी ड्यूरिंग दिस होल 30 डेज दैट वी आर गोइंग टू स्पेंड हियर। साथ घूमेंगे इनके 30 दिन, आई थिंक 30 दिन का वीजा है। वी नेवर मेट बिफोर बट I knew him, I think maybe it's been like two years just before the COVID time, yeah. Probably, yeah. When I bought my motorcycle, he was probably one of the very few guy who was uploading some pictures of G310, and I sent him a message. Since then, we have been in few times, we exchanged few messages. And before coming to India, I needed someone to guide me here. In terms of flying the drone, because being a Pakistani origin, I don't want to take risk. And also, I think the quality of the videos will improve. So hopefully, we will bring some good content. Best. We'll try our best. So let's go. Yeah, let's go. Go pick the bike. Hello, Jay. Here we are. We are going to get the bike. Here we are. ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी का एक बैग जो है वो राइड कर रहा हूँ, और एक तो जो है ना हमारा माइक्रोफोन जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम अभी बहुत ज़्यादा फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन होपफुली वापसी पे जब हम बाइक राइड करके आएंगे तो आप जो वो सिटी जो है वो ज़रूर एक्सप्लोर करके आएंगे। बस एंड टाइम पे चीज़ें जब आप नया टूर स्टार्ट कर रहे होते तो कुछ हमारा माइक्रोफोन है। सो हम लोग जी यहाँ पे कस्टम के ऑफिस में पहुँच चुके हैं। ये एक आइलैंड है जिसे कहते हैं वेलिंगटन आइलैंड, और हम जो है यहाँ पे अभी कस्टम के पास गए हैं।
बहुत अच्छे लोग थे, बड़े फ्रेंडली थे। तकरीबन कोई एक डेढ़ घंटा जो है ना हमने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाके, क्योंकि हमारी जो फाइल थी शिपिंग कंपनी ने ऑलरेडी बना के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी मैं डिटेल आपको एंड पे दूंगा जब हम सब यहाँ से क्लियर करके बाइक लेके जाएंगे, तो उन्होंने उनको जो है वो प्रोवाइड कर दी थी। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है, सारी चीज़ें पूछी हैं कौन कौन सा मैं जगहों पर विजिट कर रहा हूँ। तो अभी उन्होंने ये कहा है कि हम आपके जो है ना बाइक की इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो एक कोई लिखेंगे लेटर के इनको कोई इशू नहीं है, हम जो है ना इम्पोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो कंटेनर ओपन होगा और फिर इमिग्रेशन से कोई जो है ना इनको मेरे ख्याल में, क्योंकि जो वीज़ा वगैरह है उसको चेक करेंगे, आई एम नॉट श्योर, मुझे कोई ख़ास तौर पे समझ नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब वो कर रहे होंगे तो उसके बाद हम देखेंगे। तो हम तकरीबन कोई एक डेढ़ घंटे के बाद अभी यहाँ से निकल रहे हैं किसी जगह खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर लंच ब्रेक हो गया है। तो हमने भी कहा है कि चलते हैं, और साथ साथ जो है ना अब माइक्रोफोन चल रहा है तो हो सकता है हम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर सकें आप लोगों के लिए। ये आ गया जिस सामने रेस्टोरेंट वेज फीस्ट, आज हम वेजिटेरियन ही खाएंगे। अच्छा रेस्टोरेंट, केरला में पॉपुलेशन भी है और साफ सुथरा भी बड़ा। ये हमारा जी यहाँ पे केरला में पहला या इंडिया का जो पहला खाना होगा ये होगा वाला। यहाँ पे जी डिफरेंट वेजिटेबल्स जो है ना उनकी करी ला के हमारे सामने रख दी गई है। एक केला है, दिस इज कोकोनट, वो कार्लिक, सॉरी गार्लिक, हाँ ओके, दिस वन इज द गार्लिक वन, राइस वही है ना, वो केला, केरला राइस दे दें, कोई चाहिए दूसरा। अब हम आए हैं केरला में तो केरला राइस ही खाने चाहिए। तो ये हमारे सामने जो है ये केरला के राइस है। मैंने कहा कि इसे खाएंगे दाल, हाँ दाल, दाल क्या भी होता है। हम जी बिस्मिल्लाह करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा खाना जो है वो अच्छा होगा, हमारा इंडिया का पहला नहीं है ना। दाल इज़ वेरी गुड, और स्पेशली जिस तरह आप ट्रेडिशनल तरीके से सर्व कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। पापड़ है, घी है, अच्छा थोड़ा सा दाल अना कुतरिया होना। गिव मी द कैमरा एंड कट्स अगेन, ईट योर फूड प्लीज, इट्स ओके। I'll tell you how to eat this one. How? I'll tell you how, which is the proper way to eat. Like how? So Karthik is मुझे actually बता रहा है कि किस तरह आपने खाना खाना है, इसको एक दफा mix करके और उसके बाद जो है ना आपके पास ये जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, अचार पड़ा है, डिफरेंट जो करीज पड़ी हुई हैं उनको जो है ना आप इसके अंदर डाल के अपना चाप कल्चर नज़र आता है। हम केला ऐसा इस तो उम्मीद है कि हम सीख जाएंगे। केले का पत्ता और केला लाजमी है, मिक्स कर देते हैं सारा, मिक्स ही कर लें। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप कह सकते हैं कि दूध पत्तीनी जैसे होती है हमारे यहाँ उसी स्टाइल में बनी हुई है, बगैर शुगर के हमें मिलती है यहाँ पे। हम लोग जी तकरीबन पिछले कोई 2.5-3 घंटे से यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे शिपिंग कंपनी वालों के पास कि कब हमारा जो है वो बाइक वाला कंटेनर जो है वो खोलेंगे, और उसके बाद हमें कहेंगे कि ये है आपकी रंगीली और इसे आप ले जाएं और इंडिया को एक्सप्लोर करें। तो अभी हमें कॉल आई है कि आ जाएं जी, आपका कंटेनर जो है वो खुलने वाला है, बाइक की इंस्पेक्शन होगी। ये सामने जो है स्कूटी पे है एक भाईजान, ये हमें लेके जा रहे हैं पोर्ट पे जहाँ पे हमारा कंटेनर है, ये शिपिंग कंपनी वाले हैं। तो अभी आपको जो है ना वो केरला की रोड्स जो है ना वो यहाँ पे दिखाते हैं, कोचिन की या कोची, ओवरऑल देखें तो बड़ा ग्रीन एरिया है। हाँ, ग्रीन तो भाई कुछ भी नहीं है केरला में, थोड़ा वो
लेकिन ब्रेकफास्ट में ज़्यादा होता है कि साउथ इंडिया वाली साइड में। यहाँ देखना ऐसे और वहाँ दो पे इसका एक्सपीरियंस करना एक अलग सी चीज़ है। एज अ टूरिस्ट आई कैन सी माय बाइक अंदर से जो है वो आ रही है, और सही बताऊँ जितनी खुशी हो रही है ना कि फाइनली हमारे पास हमारी बाइक होगी और उस पर हम जो है वो इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे। क्या बात है यार, ये तो कहते हैं ना कि ख्वाब आपके जो है ना पूरे होते हैं। अभी बाइक आ रही है, देखते हैं, अभी इन्होंने निकाली नहीं है ये, इस दरवाजे से जब बाहर आ गई तब हमें देंगे। ये देखें जी फाइनली हमारी बाइक जो है वो आ गई है यहाँ पे। हेलो तो भाई बाइक भी लेके जाना, ये रहती कंट्री पे कंट्री। पाकिस्तान के घूमे, जर्मनी से पाकिस्तान आए, सऊदी अरब, दुबई, और पता नहीं इसराइल भी गए, बहुत जगह गए, और भी जगह गए, मिडिल ईस्ट में काफ़ी कंट्रीज में एक्सेप्ट आई थिंक यमन के अलावा। इससे आगे शायद बांग्लादेश चले जाएं इंडिया के बाद। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट अ लॉट, ऑल द हेल्प एंड थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट। और हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कार ने जो है वो साइन करवा के ले आए हैं, उसके ऊपर स्टैंप भी लगी है, तो ये हमें चाहिए होगा। सो डॉक्यूमेंट इज ओवर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो वी हैव ओनली okay, thank you so much. Thank you very much. Thank you. You are happy? Yes, very happy. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. They did it actually in exactly 2 weeks. Okay. They, as they promised in Dubai, they told me we will do it in 2 weeks. Thank you so much. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Subhana Allah jis akhar lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamun kalibun. Ya Allah pa khair khairiyat se hamari India mein ye pehli choti si ride guzre aur bahut achi guzre. Abhi hum log jin shipping company walon ke paas se ja rahe hain, bahut acche log the, especially ye Jacob sahab. सुबह से जो है हमें बिठा दिया कि आप बैठे यहाँ पे एसी में, और ख़ुद जो है वो घूमते फिरते रहे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, और इन्होंने काम जो है वो करवा दिया। तो मैं पर्सनली जो है वो हाईली रिकमेंड करूँगा CSS दुबई में, इनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। कोई ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, मैंने खुद इनको $1200 जो है वो पे किया है यहाँ पे, कोई मैंने चार्जेस वगैरह नहीं दिए, अपनी मर्ज़ी से मैंने कुछ जो है वो लोगों को दिए जिन्होंने हेल्प किया, तो वो और बात है। बाकी एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसका प्रोसीजर जो था वहाँ वाला, तो मैंने आपको बता दिया था, बड़ा सिंपल सा था। कार ने मेरा इन्होंने रख लिया था, वो कार ने उन्होंने वहाँ से खुद जो है वो कोरियर किया है, और मेरे आने से पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह जो है वो करवा लिए थे। दूसरा ये है कि वहाँ पर इन्होंने मेरे से मांगा था पासपोर्ट, मेरा इंडिया का वीज़ा, मेरा दुबई का वीज़ा स्टैम्प, ड्राइविंग लाइसेंस, और आई थिंक बस यही चीज़ें थीं। तो वो मैंने इनको दी थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो वेरीफाई किया है, फिर इन्होंने इजाज़त दी कि आप वहाँ से शिप करवा लो। और जब यहाँ पे आया हूँ तो आने से पहले जो है मुझे चाहिए थी क्लियरेंस इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन इंडियन FIA से, तो उसके लिए भी इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो उनको जो है सिमिलर से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, बस उसमें ये हो जाता था कि मेरी जो जर्मन इंश्योरेंस थी वो भी उनको चाहिए थी, मेरा जो यहाँ पे अभी जो मैं राइड कर रहा हूँ इंडिया की इंश्योरेंस वो भी मैंने करवा ली है, तो वो भी उनको चाहिए थी, और बाकी वही वीज़ा सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इनको दिए थे कार्नेट के साथ, उसी की कॉपीज़ वगैरह जो है ना मैंने ईमेल के थ्रू उनको किया था। तो वो 2-3 दिनों के बाद मुझे इंडियन FIA ने NOC दे दी थी, 6 महीने के लिए मैं बाइक यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा वीज़ा जो है वो 1 महीने का है अनफॉर्चुनेटली, तो हमें उससे पहले पहले जो है वो इंडिया छोड़ना होगा, अदरवाइज़ लीगली आप जो है वो यहाँ पर 6 महीने चला सकते हो। तो वो NOC जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बगैर जो है यहाँ पे बंदा जो है इम्पोर्ट नहीं कर सकता, मतलब बाइक यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि NOC के लिए आप अप्लाई करते हैं जब आपकी बाइक शिप के लिए ना वहाँ से निकल चुकी हो अपने
मतलब दुबई पोर्ट्स पे दी थी, तो वहाँ से जैसे ही वो निकली है ना तो फिर हम अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो शिपिंग कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं और वो शिपिंग के बाद ही मिलता है। लेकिन ओवरऑल प्रोसीजर जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, इन्होंने मुझे बाइक की जो इंश्योरेंस है वो भी लेने में हेल्प की, तो 2000 रुपये की मुझे वो मिली है, वो भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं, आप कह सकते हैं कि कोई $25 की बन जाती है। तो ओवरऑल जो है बहुत अच्छा स्मूथ प्रोसेस रहा। और अभी हमने अपनी बाइक को लेके जाना है जी BMW के पास, क्योंकि अगले जो फोर का है ना उसका सारा ऑयल जो है वो लीक हो गया और बाइक के फ्रंट शॉक की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। हम अभी आपको थोड़ा सा जो है वो कोची दिखाते हैं, कोशिश करते हैं और सीधा सीधा जो है वो BMW के पास जाते हैं इससे पहले कि वो बंद करते हैं। और ये हम लोग जी इनके जो आइलैंड वाला एरिया है जहाँ पे ये सारी पोर्ट और क्लियरेंस के ऑफिस हैं उससे आगे हैं बाहर। अच्छा किधर जाना है, यहाँ से लेफ्ट राइट जा रही, मैंने अपनी भी नेविगेशन लगा ली है, मैंने कहा कि कहीं हम एक दूसरे को जो है वो गुम कर बैठे हैं तो फिर रास्ते का नहीं पता चले। और यहाँ पे आप देखें जी केरला के रंग बिरंगे ट्रक, आइकॉनिक ट्रक्स हैं ये वाले। अभी हम लोग जो गुजर रहे हैं इस पुल से जो इनके आइलैंड को कनेक्ट करता है, और ओवरऑल यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लोग जो है वो एक एरिया से जो दूसरे एरिए की तरफ जा रहे हैं। हर एरिया जो है वो उसके साथ जो है वाटर सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने तो अभी सिर्फ मैप से ही कोची को देखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी। वैसे भी केरला के बैक वाटर जो हैं वो बड़े फेमस हैं, जो कि हम दिखाएंगे आप लोगों को और ख़ुद भी देखेंगे। देखें यार कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे यार, माशाल्लाह बहुत ग्रीनरी है। और स्पेशली मुझे तो, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट से आया हूँ, वहाँ पे दूर दूर तक ढूंढने से भी नहीं मिलती थी, देखिए यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर कॉर्नर पे मिल रही है, तो शायद इस वजह से भी ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि पिछला एक साल जो है वो हमने इस तरह के लैंडस्केप में गुजारा है कि जहाँ पे हार्डली शायद कुछ राइड्स होंगी जो ग्रीनरी वाले एरियाज में थी। पर ये ज़रूर है कि इस तरह की ट्रैफिक में मैंने पाकिस्तान के बाद जो है वो किसी जगह नहीं चलाया, यहाँ पर वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। आगे लगता है इशारा आ गया है, इशारा नजर ही नहीं आ रहा।
वो आ गया है ये कम यार को नजर ही नहीं आते दरख्त ही नजर आते दरख्त दिखता बंदा अमेज़न का भाई फुल अटेंशन दे के रोड के ऊपर जब वो चलानी पड़ेगी मेरे तो वो क्या कहते हैं ना कि हवास उड़े पड़े हैं, समझ नहीं लग रही कि मैं किधर से मुड़ू किधर जाऊं, बस जिधर जगह मिल रही है ना उसकी तरफ जा रहा हूं और दुआ कर रहा हूं कि अगला बंदा जो है वो भी अपनी ब्रेकें इस्तेमाल करेगा, ये ना हो कि इधर उधर जो है ना पीछे वाला जो है, और इधर मैं नहीं चाहता कि ना खुशगवार वाकया, और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी सी मेमोरीज लेके मैं यहाँ से जाऊँ और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूँ। रोड्स तो यहाँ की बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि केरला जो है वो काफ़ी कंजस्टेड है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और अभी रश आवर की वजह से तो हर तरफ जो है वो रौनक लगी हुई है। राइड तो हमें एक्चुअली में हमारे इंडियन एडवेंचर के लिए जो है ना सही में प्रिपेयर कर रही है। ऐसे मोटरसाइकिल से सेक निकल रहा है ना, आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर कोई 30-32 के आसपास होगा, और इस ट्रैफिक में स्टॉप एंड गो में जो है इंजन बहुत गर्म हुआ पड़ा है, उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि मेरी जो टांगे हैं ना वो जल रही हैं, इतनी गर्मी है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि भाई जब आप इंडिया जाएंगे ना ऐसी ट्रैफिक और इस तरह की राइड जो है ना आपने पहले नहीं की हुई थी, तो वो लोग सही कह रहे हैं। आज हमारी पहली राइड है और हमें बहुत जल्दी जो है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जगह हमने ज़्यादा देखनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ट्रैफिक में गुजरेगा, तो अपने आप को जो है वो इस ट्रैफिक के साथ जो है वो एडजस्ट करना होगा। लेकिन खैर हमने भी अभी 55,000 हो गया कर लिया है, तो कुछ ना कुछ अपने आप को जो है ना इस तरह की सिचुएशन के साथ डील करने का जो है वो चांसेस मिले हैं, तो एडजस्ट भी किया है, इसमें भी कर लेंगे। अच्छा अभी नीचे जाना है ख्याल में, इधर ही जाना है। ये हमारा जो यहाँ पे केरला में पहला या इंडिया का जो पहला खाना होगा ये होगा, आप ऐसे ही करते हैं सर, केले के बाद। खुशी हो रही है ना कि फाइनली हमारे पास हमारी बाइक होगी और उस पर हम जो है वो इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे, क्या बात है यार। ये देखिए जी फाइनली हमारी बाइक जो है वो आ गई है यहाँ पे। हेलो अच्छी है, इंडिया लैंड भी इधर ही किए थे आई थिंक, दुबई से या पता नहीं कतर से है ना शायद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कोची केरला, जहाँ पे हम 3-4 घंटे पहले पहुँचे थे, और अभी हमें यहाँ पे आज हमारा जो पहला दिन स्टार्ट होने वाला है उसमें जाके हमें यहाँ पे कस्टम से बाइक पिक करनी है। मैंने आपको पहले वीडियो में जब हमने दुबई से अपनी बाइक भेजी थी उसमें सारा कुछ बताया था कि वहाँ पे किस तरह का प्रोसीजर था, होपफुली कि आज हमारा यहाँ पे भी काम जो है वो स्मूथली हो जाएगा और आज ही हमें बाइक जो है वो मिल जाएगी। शिपिंग कंपनी से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज मिल जाएगी,
तो यहाँ से हमें जल्दी से निकलना है क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम है. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू वन अनदर गाय इज हियर कार्तिकन. ही इज फ्रॉम तमिलनाडु. फ्रॉम व्हाट वुड से फ्रॉम व्हिच सिटी? आई एम फ्रॉम नामक्कल. नामक्कल. एंड एक्चुअली ही विल बी ट्रैवलिंग विद मी ड्यूरिंग दिस होल 30 डेज दैट वी आर गोइंग टू स्पेंड हियर. साथ घूमेंगे इनके 30 दिन. हॉपफुली 30 दिन का वीजा. वी नेवर मेट बिफोर बट I knew him, I think maybe I messed with him like, 2 years. Just before the COVID time, yeah. Probably, yeah. When I bought my motorcycle, he was probably one of the very few guy who was uploading some pictures of G310. Mm-hmm. And I sent him a message. Since then, we have been in few times, we exchanged few messages. And before coming to India, I needed someone to guide me here. In terms of flying the drone, because being a Pakistani origin, I don't want to take risk. And also, I think the quality of the videos will improve. So hopefully we will bring some good content. Best. We'll try our best. So let's go. Yeah, let's go. Go pick the bike. Hello, Jay. We are going to go to the bike. Hello, Jay. ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी बाइक से बैठ के जो है वो राइड कर रहा हूँ. और एक तो जो है ना हमारा माइक्रोफोन जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम अभी बहुत ज़्यादा फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते. लेकिन होपफुली वापसी पे जब हम बाइक राइड करके आएंगे तो आपको जो है वो सिटी जो है वो ज़रूर एक्सप्लोर करके दिखाएंगे. बस एंड टाइम पे चीज़ें जब आप नया टूर स्टार्ट कर रहे होते तो कुछ सही तरह से जो है हमारा माइक्रोफोन है. सो हम लोग जी यहाँ पे कस्टम के ऑफिस में पहुँच चुके हैं. ये एक आइलैंड है जिसे कहते हैं वेलिंगटन आइलैंड. और हम जो है यहाँ पे अभी कस्टम के पास गए. बहुत अच्छे लोग थे, बड़े फ्रेंडली थे. तकरीबन को एक डेढ़ घंटा जो है ना हमने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाके, क्योंकि हमारी जो फाइल थी शिपिंग कंपनी ने ऑलरेडी बना के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी मैं डिटेल आपको एंड पे दूंगा जब हम सब यहाँ से क्लियर करके बाइक लेके जाएंगे. तो उन्होंने उनको जो है वो प्रोवाइड कर दी थी. उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है, सारी चीज़ें पूछी हैं कौन कौन सा मैं जगहों पर विज़िट कर रहा हूँ. तो अभी उन्होंने ये कहा है कि हम आपके जो है ना बाइक की इंस्पेक्शन करेंगे. तो एक कोई लिखेंगे लेटर के इनको कोई इशू नहीं है. नंबर पे ना खर्चा होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी ना. हाँ, BMW का रखा हुआ है बाइक और उसको फिर रिपेयर कराना, उसको कोई भी छोटी छोटी चीज़ हो और BMW के शोरूम से जाके. यार ये बड़ा टास्क होता है कि हर कंट्री में लेके जाना. अब इंडिया में आए हैं, इनको 2 हफ्ते तकरीबन कह रहे थे लगे हैं मुझे इस चीज़ को, बाइक को लाने में, वो सारा कस्टम इधर उधर सारा करवाने में.